नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि दिव्य शक्तियाँ आप लोगों को कैसे प्राप्त होती हैं, कौन देता है आप लोगों को ये दिव्य शक्तियाँ, किस हिसाब से पूजा करके आप दिव्य शक्तियों को जागृत कर सकते हो, कैसे आप लोगों के साथ ये ब्रह्मांड की अनोखी सबसे अलौकिक शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। काफ़ी सारे साधक तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपने इष्ट देवता का नाम भी नहीं जपा, लेकिन फिर भी उन लोगों के साथ ये दिव्य शक्तियाँ होती हैं। कुछ साधकों के साथ तो जन्म से ही दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं। जब आपका जन्म होता है उसी समय से दिव्य शक्तियों के प्रभाव आप लोगों के जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ साधक ऐसे भी हैं जो इस जन्म में देवी देवताओं की भक्ति करके, भगवान को प्रसन्न करके, उनकी पूजा के द्वारा या फिर सेवा भाव से इस समाज के लिए अच्छे कार्य करके भी इन दिव्य शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन होता वही है जो आपके भाग में उस ईश्वर ने शुरू से ही लिखा हुआ है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काफ़ी सारे साधक यह समझे कि मेरे साथ तो दिव्य शक्तियां हैं, कि मैंने तो जो आपने लक्षण बताए थे वो सभी लक्षण मेरे अंदर हैं, तो मतलब आपके साथ दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत से दुख हैं, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों है, फिर भी लोग मुझे बार बार धोखा क्यों दे जाते हैं, मैं तो सबका भला सोचता हूँ, मैं सबका अच्छा सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। तो बहुत से सवाल आप लोगों के दिमाग में घूमते रहते होंगे, और यहाँ तक कि यह सवाल भी कि अगर मेरे साथ दिव्य शक्तियाँ हैं तो मैं उनका प्रयोग कैसे करूँ, उनका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ। तो आज सभी सवाल आप लोगों के हम आज बताने के लिए आए हैं। माना जाता है कि जिन साधकों के पास दिव्य शक्तियां जन्म से ही होती हैं, तो जब उस बच्चे का, उस साधक का जब जन्म होता है जिसके साथ ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, तो उनके परिवार में अगर कोई ऐसा कार्य रुके हुए हो या फिर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हों, तो जब भी आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसा साधक जन्मता है जिसके साथ शक्तियां हैं, तो आप लोगों के जो कार्य हैं वो बनने अपने आप ही शुरू हो जाते हैं। साथ में ऐसे बच्चे का जब बात आती है शुरुआत से, तो ऐसे साधक के मस्तिष्क में एक प्रकाश जन्म होते समय दिखाई पड़ सकता है। ऐसे साधक के मस्तिष्क में आज्ञा चक्र पर, वहाँ पर एक खिंचाव हमेशा रहेगा ही रहेगा। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे बच्चों के साथ जानवर जैसे कुत्ता व बिल्ली बहुत प्रेम करते हैं। कभी भी आप महसूस करना कि अगर आपके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, तो आप जब भी जानवरों के पास जाएंगे तो आपके मन में एक प्रेरणा उनके लिए जागृत होती है। वह जो जानवर के पास जब आप जाओगे, वह जानवर भी आपसे बहुत सा प्रेम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ वो दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं जो आप लोगों को उनकी ओर आकर्षित करती हैं, वह उनको भी आपकी ओर आकर्षित करती हैं। साथ में अब ऐसे साधक भी हैं जो बहुत समय से पूजा पाठ करते हैं, और उनको दिव्य शक्तियाँ कैसे मिलती हैं कि जो आप पूजा करते हो और आप औरों की परेशानियों को देखना पसंद नहीं करते, उनकी परेशानियों को सुलझाना पसंद करते हो। देखने में और सुलझाने में बहुत बड़ा अंतर है। आप लोग अगर दूसरों के दुखों को नहीं देख सकते, आप लोगों के मन में ये इच्छा रहती है कि जो भी परेशान व्यक्ति आए मैं उसकी मदद करूँ, और जब ये सब चीज़ें, ये धारणाएं आपके अंदर आने शुरू होती हैं और आप अपने इष्ट देव की भक्ति करते हैं, तो उसी क्षण से, उसी समय से वो देवता भी तभी आप लोगों को ये शक्तियां देते हैं, ताकि आप के मन में जो इच्छाएं हैं कि आप औरों की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो आप उन परेशानियों को दूर कर सकें। आप अपने समाज में जो भी परेशान व्यक्ति हैं उनकी मदद कर सकें, उनकी समस्याओं को सुलझा सकें, तो ऐसे लोगों को ही, ऐसे साधकों को ही वो देवी देवता, वो ईश्वर, वो परमात्मा आप लोगों को ये दिव्य शक्तियाँ प्रदान
करा देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जिस साधक के पास दिव्य शक्तियाँ हैं, वह साधक कभी भी किसी परेशान व्यक्ति के पास जब जाएगा तो उनकी परेशानी का जो समाधान है वो उस साधक के दिमाग में अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। जो भी लिया हुआ फैसला होगा वह सत्य ही होगा, वह बिल्कुल सही ही होगा। साथ में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, आप लोग ऐसे बीमार व्यक्ति के पास जाओगे तो उसकी बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। साथ में यह सब क्या है, यह सब उन दिव्य शक्तियों का कमाल है जो आपके शरीर में आपके रोम रोम में बसी हुई हैं। अब काफ़ी सारे साधक ऐसे भी हैं कि जिनको पूर्व जन्म से ये दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। पूर्व जन्म से कैसे, कि जैसे पिछले जन्म में आपने जो भी कर्म किए हुए हैं, आपने जो भक्ति की हुई है, जो अच्छे कर्म है आपके, उनके द्वारा भी वो देवी देवता, वो आपके पिछले जन्म के जो भी इष्ट हैं, वह आपको इस जन्म में दिव्य शक्तियाँ दे देते हैं। क्योंकि शायद आपने पिछले से पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए हों और अब का जो मतलब पीछे वाला जन्म था उसमें आपने अच्छे कर्म किए, जिसकी वजह से पिछले जो बुरे कर्म थे वो पिछले जन्म में आपके कर चुके हैं। तो जो पिछले जन्म में आपने सही कर्म किए हैं, भक्ति की है, उसका फल आपको इस जन्म में प्राप्त होता है। तो साथ में ऐसे भी आप लोगों को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे अब काफ़ी सारे साधकों का यह सवाल रहता है कि मैंने शिव पूजा कभी की ही नहीं है, मैंने माँ दुर्गा की पूजा कभी की ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे शिव महाराज के दर्शन सपने में बार बार होते हैं, मुझे शिवलिंग दिखाई देते हैं, मुझे माँ दुर्गा दिखाई देती है, मुझे गणेश जी महाराज दिखाई देते हैं। मतलब इस जन्म में आपने उनकी पूजा की ही नहीं, लेकिन फिर भी वो देवी देवता आपको सपने में दर्शन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक नाता है उनसे। इस जन्म का अगर नहीं है तो पिछले जन्म का कोई ना कोई नाता आपका उन देवी देवताओं से जरूर है और उन्हीं के द्वारा तो ये शक्तियाँ आपको प्राप्त हैं। मतलब जैसे पिछले जन्म में आपने शिव पूजा की हो, इस जन्म में आपने पूजा नहीं की, लेकिन पिछले जन्म की पूजा के अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार वो इस शिव शंकर महाराज आपको इस जन्म में दिव्य शक्तियाँ प्रदान कराते हैं। तो ऐसे भी आप लोगों को दिव्य शक्तियाँ पिछले जन्म के इष्ट के द्वारा ही इस जन्म में प्राप्त हो जाती हैं। तो साथ में इसीलिए वो शिव शंकर महाराज आपको सपने में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अन्य देवता हैं कि जैसे आपने उनकी अगर पिछले जन्म में पूजा की है और इस जन्म में नहीं भी की, फिर भी वो देवता अगर आपको नज़र आते हैं तो आप लोग समझ जाएं आपकी आत्मा का एक नाता उन देवताओं से ज़रूर है। इसीलिए वो देवता आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं, उनकी शक्तियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। अब आप इन शक्तियों को और ज़्यादा जागृत कैसे कर सकते हो? आप लोग समाज सेवा में अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों की भावनाओं को समझो, दूसरों की परेशानियों को दूर करने की में मदद करो। आप लोग ये मत सोचो कि मैं तो खुद ही दुखी हूँ, मैं औरों की परेशानियों को कैसे दूर करूँगा। आप लोग दुखी हो या ना हो, लेकिन अगर आप जितनी आपकी क्षमता है उतनी मदद अगर आप इस जन्म में किसी की भी करते हैं तो वह दिव्य शक्तियाँ तभी जागृत होती हैं। क्योंकि कई बार हमें पिछले जन्म से अगर कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है और इस जन्म में हम बुरे कार्य करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, तो वो दिव्य शक्तियाँ कार्य करना ही बंद कर देती हैं। क्योंकि वह कार्य तभी करेंगी जब आप औरों की समस्याओं को दूर करें, अपने दुखों को देखना भूल जाओ, औरों की परेशानियों को, औरों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करो, तभी ये दिव्य शक्तियाँ अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। ठीक है, शक्तियाँ यही तो हैं जो आप लोग किसी के पास बैठो उन्हें अनुभव होने शुरू हो जाएं। आप जब आपके पास दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं, वो जागृत हो जाती हैं, तो उस समय पर आपका लिया हुआ फैसला सही होगा। आप लोगों को पूर्व जन्म के आभास भी होंगे, साथ में दूसरों के मन में चल रही बातें आप लोगों के मन में पहले ही आ जाना शुरू हो जाएंगी। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि आपकी आध्यात्मिक मार्ग की ओर रहेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा
ध्यान करना पसंद करोगे, भक्ति करना पसंद करोगे और भक्ति मार्ग में ही आपकी रुचि बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से जब आप किसी देवता का कोई मंत्र जपोगे, जैसे जैसे उस देवता का कोई मंत्र आप जपते रहोगे, वह दिव्य शक्तियाँ एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। साथ में अगर किसी देवता की कोई शक्ति आपके पास है तो आप उन्हीं देवता की पूजा करते रहें, जो देवता आपको सपने में बार बार दिखाई देते हों, जो देवता की भक्ति करने में आपको आनंद आता हो, जिसमें प्रेम आता हो, उन्हीं देवता की पूजा करो, तभी आप लोग सफल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की भक्ति तो करते हो शिव की, लेकिन आपको रुचि माँ काली की भक्ति करने में है, माँ काली की भक्ति करने में आपको आनंद आता है, उनमें प्रेम लगता है, तो ऐसे मत करो। जिस भी देवता की भक्ति में आपकी रुचि है, जिसमें आपको आनंद आता है, जिसमें प्रेम आता है, उन्हीं देवताओं की भक्ति करो। एक वही देवता अन्य देवी देवताओं को आपके पास लाकर खड़ा कर देते हैं। अक्सर ऐसे साधकों को जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं, उनको शक्तियों के अनुभव होते हैं, अपने आसपास की हवाएं महसूस होती हैं, ठीक है, साथ में अपने घर में भी उन साधकों को निम्न प्रकार के अनुभव होते हैं। वह अपने पर्यावरण से बहुत सा लगाव उन साधकों को होता ही होता है, तो दिव्य शक्तियाँ इस प्रकार से आप लोगों को प्राप्त हो जाती हैं। साथ में अब आप किसी देवता की पूजा करते हों, किसी देवता की भक्ति करते हों, केवल और केवल एक ही आपका निर्देश्य है कि मुझे औरों की समस्याओं को दूर करना है, मुझे औरों की परेशानियों को दूर करना है। आप लोग अपनी परेशानियों को भूलकर जब औरों की परेशानियों को दूर करने में लगोगे, तभी तो वो देवी देवता आपको वो शक्ति देंगे कि हाँ, आप औरों की परेशानियों को दूर करना चाहते हो। अपने लिए तो सब करते हैं, औरों के लिए करोगे तभी तो वो देवता आपको वो शक्तियाँ देंगे, ठीक है। अपने लिए करो, लेकिन दूसरों के लिए भी तत्पर खड़े रहो, ताकि औरों की परेशानियाँ दूर हों, तभी वो देवता आपको वो शक्तियाँ प्रदान कराते हैं। अपने दुखों को मत देखो, जो होना है वो आपके कर्म पर निर्भर है, लेकिन जो आप कर सकते हो उसको करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शक्तियाँ कार्य करना शुरू करती हैं, ऐसे आपको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। साथ में अगर कोई साधक के साथ इस प्रकार के अनुभव होते हों, या फिर उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं किन्हीं देवताओं की, लेकिन वो कार्य ना कर पा रही हों, कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है किसी देवता का कोई दोष हो आपके ऊपर, आपने कोई भक्ति में कोई पूजा में कमी छोड़ रखी हो, या फिर आपके घर में कोई पहले से ही नेगेटिविटी हो, तो ऐसे में वो शक्तियाँ कार्य नहीं कर पाती। तो अगर आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं, अपने बारे में अपनी समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या बताएं, वह साथ में समाधान भी आप लोगों को तुरंत बता दिया जाएगा। तो साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।